जोधपुर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज जोधपुर में विधिक जागरूकता को लेकर स्कूली बच्चों की रैली आयोजन की गई। जिला एवं सत्र न्यायालय में बच्चों की यह रैली रवाना हुई। जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश नरसिंह दास व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रैली को। स्कूली बच्चों के हाथों में प्लास्टिक मुक्त भारत, बाल विवाह नहीं करने, दहेज प्रथा को बंद करने सहित विभिन्न सामाजिक संदेश लिखी हुई तख्तियां हाथ में थामे हुए थे। बच्चों की यह रैली जिला सत्र न्यायालय से रवाना होकर पावटा चौराया मांझी कार्ता से पहुँचते हुए वापस जिला सत्र न्यायालय आकर संपन्न हुई। जिला सत्र न्यायाधीश नरसिंह दास ने सभी बच्चों को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने व पॉलिथीन का बहिष्कार करने का संकल्प दिलवाया। इस रैली में बच्चों के अलावा विभिन्न संगठनों के सदस्य भी मौजूद रहे। जिला सत्र के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 3/11/2019 से 9/11/2019 तक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्ष 1987 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, जो 9 नवंबर 1995 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य हेतु इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत आज अभी रैली को प्रस्थान किया गया है तथा अब संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जोधपुर महानगर न्यायिक क्षेत्र के परम श्रद्धेय सम्माननीय न्यायाधिपति श्री संदीप जी मेहता साहब अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद। रैली का क्या उद्देश्य? रैली का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करना। सर, इस बार जम्मू कश्मीर को शामिल कर दिया, क्या इस बार वहाँ भी मनाया जा रहा है? चूंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा धारा संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इसलिए अब उक्त अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो जाएंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 3/11/2019 से 9/11/2019 तक विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्ष 1987 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, जो 9 नवंबर 1995 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य हेतु इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत आज अभी रैली को प्रस्थान किया गया है तथा अब संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जोधपुर महानगर न्यायिक क्षेत्र के परम श्रद्धेय सम्माननीय न्यायाधिपति श्री संदीप जी मेहता साहब अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद। रैली का क्या उद्देश्य? रैली का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करना। सर, इस बार जम्मू कश्मीर को शामिल कर दिया, क्या इस बार वहाँ भी मनाया जा रहा है सप्ताह? चूंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा धारा संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इसलिए अब उक्त अधिनियम के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू हो जाएंगे।